वेतन न मिलने से तिमाही वन मजदूरों पर संकट मंडराया है। वन मजदूरों ने पत्र परिषद में मांग पूरी न होने पर आंदोलन का इशारा दिया। भद्रावती वन परिक्षेत्र के 11 तिमाही वन मजदूरों को 2 वर्ष बीतने पर भी अभी तक वेतन न मिलने से उन पर संकट मंडराया है। वेतन जल्द दिया जाए अन्यथा आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा पीड़ित वन मजदूरों ने पत्र परिषद में दिया। पत्र परिषद में पीड़ित वन मजदूरों ने बताया कि 2019-20-21 में किसी ने 3 माह तो किसी ने 6-7 माह वन मजदूर के तौर पर काम किया। 1 महीने में 10,000 रुपए वेतन के मुताबिक वेतन दिया जाता। उस मुताबिक एक वन मजदूर का 30,000 से 70,000 रुपए वेतन वन विभाग की ओर 2 वर्ष से बकाया है। वन मजदूरों की ओर हाल में काम नहीं, बकाया वेतन भी नहीं मिला, जिसे परिवार पर संकट मंडराया है। बकाया वेतन जल्द दिया जाए ऐसी मांग इन पीड़ित मजदूरों ने पत्र परिषद में की है। पत्र परिषद में भद्रावती उपक्षेत्र के खुशाल कंचनवार, ईश्वर कलारे, मासड़ उपक्षेत्र के हंसराज मांदाड़े, चोरा उपक्षेत्र के शत्रुघ्न खड़संग आदि वन मजदूर उपस्थित थे। दौरान इस संदर्भ में भद्रावती वन परिक्षेत्र अधिकारी से संपर्क साधने पर संपर्क नहीं हो पाया। सिटी केबल समाचार चंद्रपुर के लिए भद्रावती से प्रतिनिधि श्याम चटपल्ली वार की रिपोर्ट। वन परिक्षेत्र भद्रावती इथे फायर वॉचर या पदावर काम करीत होतो। सन 2021 मी फायर वॉचर या पदावर काम केले आणि 1 एप्रिल ते 15 जूनपर्यंत माझा पगार झालेला नाही। काही लोक आमच्यासोबत आहे आणि आम्ही सुधीर मुनगंटीवार साहेब यांच्याकडे तक्रार केली असता व जिल्हा अधिकारी साहेबांकडे तक्रार केली असता आणि शेंडे साहेबांकडे तक्रार केली असता आम्हाला अजूनही काही मदतीचा हात मिळालेला नाही। आणि असेच आम्हाला हे करत राहिले तर आमच्या परिवारावर उपासमारीची पारी येऊ रे, यासाठी आम्ही वारंवार तक्रार करूनही आमचा पगार झालेला नाही। तरी शासनाने याच्याकडे दखल घेऊन त्वरित आमचा पगार जमा करण्यात यावा, नाही जर पगार जमा झाला तर आम्हाला अजून पुढचं पाऊल उचलावं लागेल व आंदोलनाचा इशारा आम्ही देत आहोत। 2020-21 पर्यंत काम केलेले आहे पण अजूनपर्यंत आमचा पगार झालेला नाही। तर आम्ही सगळ्यांकडे पत्रव्यवहार केला, म्हणजे सेंडे सरांकडे सुद्धा आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे पण ते निधी नसल्यामुळे ते अजूनही आमचा पगार झालेला नाही। शिल्लक राहिलेला 3-3, 4-4 महिन्याची 7-7,000 रुपये होती एका माणसाची। तर शासनाने आमच्या त्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, पगार द्यायला पाहिजे, नाही पगार जर दिला तर आम्ही आंदोलन करण्यात येईल।